कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए फाइनली आज डेट में एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आ रही है। बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या फिर एमएमएससी कॉम के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर लास्ट ईयर के छात्र हैं तो फाइनली सभी के लिए फाइनली बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है। तो पूरी अपडेट आपको एक एक करके सारी अपडेट आपको बताने वाले हैं, जितने भी आपके डाउट्स है सारे इस वीडियो में डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, छोटी सी अपडेट आपके लिए मैं देने वाला हूं लेकिन इसमें काफी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से भारत की कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आप पढ़े यहां पर आपको रेगुलर आपकी यूनिवर्सिटी से गार्डिंग अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं जो फाइनली आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है उसको ज्यादा टाइम निवेश करते हुए आपको बता देते हैं। तो फाइनली जो मैं आपको आज की डेट में बड़ी गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं उस पर आपके ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं तो इसलिए मैं आपको बोला बिल्कुल केयरफुली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप को लेकर, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी एससी एसटी सभी कैटेगरी के लिए इस वीडियो में गुड न्यूज मिलने वाली है तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो सेकंड फेज में बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था स्कॉलरशिप को लेकर उनके लिए फाइनली बड़ी अच्छी अपडेट है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो सेकंड फेज के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अप्लाई किया था और इसके साथ में जिन्होंने प्रिंट आउट निकालकर 3 अप्रैल 2024 तक और इसके साथ में जो छात्र संलग्न शिक्षण संस्थान में जमा उन्होंने फॉर्म को फिल किया था तो वो 8 अप्रैल तक रखा गया था। इनकी जो स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है कि इनकी स्कॉलरशिप सेकंड फेज की आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी तो इनको लेकर बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। यहां पर आप देखने को मिल रहा होगा जो आपकी स्कॉलरशिप आएगी सेकंड फेज वालों की वो 14 जून से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपके 14 जून से 21 जून के बीच में आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी जो सेकंड फेज में ऑनलाइन आवेदन उन्होंने स्कॉलरशिप को लेकर किया है। बात कर रहे हैं ये एससी एसटी वालों ने किया है, इनको जो है 14 से 21 जून तक बच्चों को स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा जिन्होंने सेकंड फेज में अप्लाई किया है फॉर्म को, और जिन्होंने फर्स्ट फेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था उनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, चाहे जनरल कैटेगरी हो चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो। तो अगर अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है तो देखिए कैटेगरी वाइज मैं आपको डिटेल साथ जानकारी शेयर कर दे रहा हूं। देखिए अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो गए हैं वो चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो चाहे ओबीसी कैटेगरी से हो चाहे एससी एसटी कोई सी कैटेगरी से आप हैं, अगर आपके ट्रांजेक्शन फेल हो गए हैं तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आने वाली है। और वहीं अगर आपको बजट कम का इशू बताया जा रहा है तो फाइनली आप श्योर हो जाइए कि आपकी स्कॉलरशिप अब नहीं आने वाली है। तो यहां पर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल साथ शेयर कर दी है किनकी स्कॉलरशिप आएगी किनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यहाँ पर जो सेकंड फेज वालों एससी एसटी वाले कैटेगरी वाले जितने भी छात्रों ने स्कॉलरशिप के लिए सेकंड फेज में अप्लाई किया था उनकी स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी खुशखबरी है। 14 जून से 21 जून के बीच में आपके सेकंड फेज वालों के लिए स्कॉलरशिप आना आपके बैंक अकाउंट में वो शुरू हो जाएगी, ये बड़ी खुशखबरी मैंने आपको शेयर किया है। ये सेकंड फेज वालों के लिए एससी एसटी वाले बच्चों के लिए अपडेट थी। और वहीं मैंने आपको फर्स्ट फेज वालों के लिए बता ही दिया है कि अगर आप जनरल ओबीसी एसटी कोई सी कैटेगरी से हैं अगर आपके ट्रांजेक्शन फेल हो जा रहा है तो आपका 100% आपका जो है स्कॉलरशिप आएगा, अगर वहीं बजट कम का इशू बताया जा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहां पर आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी भी आपके कोई डाउट्स रह जा रहे हैं कोई माइंड में आपके सवाल चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आप इसी तरीके से भारत की कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े यहां पर आपको इसी तरीके से रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए ऑथेंटिक अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।